बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की कथा पढ़ा रही हूँ। 6 तक की कहानी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कुंती की कथा मैंने आपको बता दी है। आज बारी आ गई भीम की कथा बताने की, जो पार्ट 7 है। चूंकि पार्ट बहुत छोटा है, इसलिए मैंने 7 के साथ 8 भी समेटा है। यदि पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं 8 से के साथ 9 को लगा के पूरा कर दूंगी। तो पार्ट 7 पर हूँ। भीम नाम है, मैंने बोर्ड पर लिख दिया, इसलिए तो कहानी शुरू करती हूँ। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, राजा पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जो कौरव कहलाते थे। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र ही कौरव कहलाते थे और पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाते थे। हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। अब दोनों लोग साथ साथ वहां रहते थे। खेल कूद हंसी मजाक सब वे साथ साथ ही करते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। तो भीम के नाम से तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि बहुत बलशाली थे, हाथियों के समान कई हाथियों का बल था, शरीर भी उसी प्रकार था, भोजन भी उसी प्रकार था। तो कई लोगों का भोजन भी उन्हें चाहिए होता, भाई शरीर में ताकत चाहिए इतने बड़े शरीर के लिए, बलशाली होने के लिए उतना भोजन भी आवश्यक है। तो सबसे ज्यादा बलशाली थे, बढ़ चढ़ कर थे। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग करते थे, और जब खेल होता था तो दुर्योधन और उनके भाइयों को बहुत तंग करते थे। तो भीम से दुर्योधन बहुत चिढ़ता था, भीम से दुर्योधन जो था वो बहुत चिढ़ता था। दुर्योधन उसके भाइयों यदि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था, पर बचपन में जोश के कारण ही ऐसा करता था। अब भीम चूंकि थोड़े नटखट स्वभाव के थे, तो वो मन में बैर नहीं रखते थे, परंतु छेड़छाड़ की आदत उनकी नहीं जाती थी। तो वो कौरवों में दुर्योधन आदि को बहुत छेड़छाड़ करते थे, परेशान करते थे। अब भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। अब दुर्योधन और उनके भाइयों को ये बात बड़ी बुरी लगने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि बैर भाव रखने लगे। अब उनके मन में आने लगा कि भीम मुझे हर समय चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भीम को भी बदले की भावना से भीम को भी मारने की कोशिश की जाए। तो सब द्वेष बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र विद्या और अन्य विद्याएं सीखने लगे। अब एक ही गुरुकुल में कृपाचार्य से ही कौरव और पांडव दोनों जो थे वो विद्या ग्रहण करते थे। तो कृपाचार्य दोनों को सिखाते थे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरव से आगे रहते। अब विद्या सीखने की बात आई तो पांडव जो थे वो तेज थे, तीव्र बुद्धि के थे दुर्योधन की अपेक्षा, तो वो जल्दी सीख लेते थे। और जल्दी सीख करके वे सफल हो जाते। तो कौरव जब ये होता तो कौरव खींचने लगते। उन्हें कभी कभी लगता कि कृपाचार्य उन्हें ठीक से सिखा नहीं रहे हैं, कभी ये लगता कि जो सीखा है उसी को ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको खिजलाहट होती थी इन सब चीजों से। दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार उस सब कौरों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। अब चूंकि बहुत परेशान हो गए थे दुर्योधन, किसी भी चीज में दुर्योधन उनके भाई जो थे वो आगे नहीं थे, तो उन्हें क्या लगता था कि कुछ उपाय ऐसा करना चाहिए
कि भीम को मार दिया जाए तो बाकी भाइयों को बंदी बना लिया जाए। तो एक दिन उन्होंने ठाना कि क्यों न भीम के भोजन में विष मिला दिया जाए और जब वो अचेत हो जाए तो उन्हें गंगा में डुबो दिया जाए, कुछ देर के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मामला साफ हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब मार डालने के लिए उन्होंने उपाय बनाना शुरू कर दिया और उसके मरने पर अर्जुन और युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बना ली। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। दुर्योधन की जो चाल थी वो ये थी कि ऐसा कुछ किया जाए कि पूरे राज्य को अपने वश में कर ले, ये बंटवारे का प्रश्न, ये भाइयों के बीच विवाद का प्रश्न ही न खड़ा हो। तो उन्होंने कुछ उपाय सोचा कि मार देने से बंटवारा ही खत्म हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों भाइयों को उसके लिए न्योता दिया। अब दुर्योधन बचपन से ही चाल पे चाल खेलता था, तो एक दिन उसने ठाना कि वो जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है और आमंत्रित करके वो उसी जल क्रीड़ा के दौरान ही मारने की कोशिश करेगा। तो उसने न्योता भेजा। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया, अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। अब खेल कूद से थक गए थे, सबने जमकर भोजन किया। भोजन करके इतने थक गए थे कि सभी को लगा कि खूब खेले तो थक कर कुछ सो भी गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। अब उन्होंने दुर्योधन ने क्या किया था, विष भीम के भोजन में विष मिला दिया, भीम के भोजन में विष मिला दिया। तो विष का जो नशा था वो तो इतना गहरा हो गया कि भीम तो बहुत गहरी निद्रा में सो गए, वो डेरे पर भी नहीं पहुंचा। अब डेरे पर कहां से पहुंचते, जब वो गहरी निद्रा में आ गए नशे में चूर होकर के, तो वो डेरे पर भी नहीं पहुंच पाए। गंगा किनारे रेत पे में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने अब रेत पर ही, वो जैसे नशा आ जाने पर व्यक्ति का पांव डगमगाता है, कहाँ गिर जाता है कहाँ नहीं गिरता सबका पता नहीं चलता। ठीक भीम भी ऐसे विष के नशे में झूमते झामते रेत के किनारे पहुंचते हैं, वहीं गिर जाते हैं। तो दुर्योधन को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई, दुर्योधन निश्चिंत हो गया कि विष का असर हो गया है। और विष का असर होने के बाद उसने क्या किया कि लता, पेड़ की लताओं और जड़ों से, जैसे बरगद में बड़ी बड़ी जड़ें लगी होती हैं, ऐसे ही लताओं और जड़ों से लिया और भीम को कस के बांध दिया। और बांध करके उन्होंने क्या किया कि हाथ पर बांध के उन्हें गंगा में बहा दिया, अपने गंगा में गिरा दिया। अब लताओं से जकड़ा हुआ भीम शरीर जब गंगा की धारा बहता हुआ दूर निकल गया। अब लताओं से तो उसने हाथ पैर सब बांध दिए हैं, तो वो पानी में ही तैरते पड़ते पड़ते बहते बहते बहुत दूर निकल गए। इधर दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया, देखिए अब बाकी लोग क्या करते हैं। तो युधिष्ठिर आदि आगे भीम को न पाया। युधिष्ठिर आदि जब जागे तो उन्होंने भीम को ढूंढना शुरू कर दिया कि भीम कहाँ गए। तो भीम को जब ढूंढना शुरू कर दिया तो भीम कहीं मिलते ही नहीं, मिलेंगे कहाँ से। दुर्योधन ने तो भीम के हाथ पैरों को बांध करके गंगा में डाल दिया, लेकिन कहते हैं ठंडे पानी में जाके विष का जो असर होता है वो कम हो जाता है। तो पानी में कहीं जंगल तथा गंगा का सारा किनारा वो जल क्रीड़ा की थी छान मारा। जब सारे भाइयों जगे तो उन्होंने देखा कि भीम नहीं है, तो सारे भाइयों ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ही उस पूरे किनारे को ढूंढा और हर जगह से उन्हें खोज कर ले आए। सब बहुत परेशान तब तक इतने में क्या देखते हैं कि भीम झूमता जामता चला आ रहा है। तो नशा तो नहीं उतरा था लेकिन होश आ गया था, ठंडे पानी के असर से वो उतना चढ़ा नहीं तो आसान था। तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन ने क्या देखा कि वो
दुर्योधन तो निश्चिंत हो गया था कि भीम को अब बचाया नहीं जा सकता, लेकिन जब भीम का पानी में गिरने से नशा खत्म हो गया तो वो झूमते झामते उस जगह पर पहुंचे जहां सारे लोग थे। तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, गंगा का किनारा और जल क्रीड़ा की थी छानवा, पर भीम का कहीं पता न था। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल लौट आए। वो लौट आते हैं और उन्हें कोई नहीं मिलता है, वो भीम भी नहीं मिलते, तो उन्हें लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है ढूंढने का, संभवतः गंगा में कहीं भी बह गए। फिर उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में सारी बात उनसे बताई। विदुर को बताई कि देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है, हम लोग को ले गए और जल क्रीड़ा के बहाने खिलाया, विष पिला दिया, और विष पिला कर के भीम का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। तो विदुर ने सारी बात सुनी, विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जरूर कोई ना कोई वो चाल खेल रहा है, कुछ अनिष्ट करने की तैयारी कर रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है और मुझे उसकी चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य चाहता है दुर्योधन, और अगर उसे नहीं मिलेगा तो भीम को मार देगा। अब सारे लोग डरने लगे जो इधर उधर कहीं गए थे। उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरीके से भीम को ढूंढना आवश्यक है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखा जाए। उन्होंने कहा ये तो सच है कि भीम का कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ अनिष्ट हुआ है, और बहुत परेशानी है कि ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो उनके मन में आता है कि निश्चित ही कोई अनिष्ट हुआ है, और उनके न मिलने की चिंता सबको खाई जा रही थी। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाने लगे और उन्हें लगा कि कुंती जो सोच रही संभवतः वो सही हो, परंतु कुशल किसी में है कि इस बात को अपने तक रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर बात को फैला देंगे तो दुर्योधन को लगेगा कि सारे पांडव डर गए हैं, अब इनका इनके ऊपर चोट पे चोट करनी चाहिए। तो तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो, निकट रूप में दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देखो दुर्योधन की निंदा मत करना, क्योंकि अगर तुमने निंदा की तो निंदा के साथ उसको बहुत बुरा लगेगा, और हो सकता है वो और तरीके से अहित कर सके या अहित करके नुकसान करके मार सके। इस घटना से भी बहुत उत्तेजित हो गया था और उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम अभी समय नहीं आया। अब भीम को तो बड़ी गुस्सा आ गई थी हर बात पर, तो उन्होंने क्या किया कि गुस्से के कारण अपने आप को रोकने की कोशिश की। तो अन्य भाइयों ने कहा कि अपने आप को संभालो। युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम अभी समय नहीं आया, तुम्हें अपने आप को संभाल कर रखना होगा। इस समय तो हम पांचों किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी किया जाए, बस ये मानना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार इनकी रक्षा का उपाय सोचना चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकती है या पांडव खत्म हो सकते हैं। तो एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे, तो सबने आपस में सलाह मशवरा की कि हमें एक दूसरे की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो उठानी चाहिए। भीम के वापस भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। अब भीम तो वापस आ गया, अब दुर्योधन के तो लगा कि कटे पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया, उसे और तकलीफ होने लगी कि देखो
कितनी बड़ी परेशानी में पड़ गए। तो दुर्योधन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और ईर्ष्या जलन भी। तो अब मैं 7 पाठ मैंने पूरा कर दिया, बहुत छोटे छोटे पाठ हैं। अब मैं आपको पाठ 8 पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो इसी के साथ समेट के इसलिए मैंने दोनों डाल रखा है। तो पाठ 8 पढ़ाने चल रही हूँ, और जो पाठ 8 जो कर्ण का है, कर्ण की कहानी मैंने आपको बताई है कि कर्ण कुंती पुत्र थे, सूर्य पुत्र थे, सूर्य और कुंती के से उत्पन्न ये पुत्र थे। तो उन्होंने जन्मजात कवच और कुंडल पाए थे, बहुत तेजस्विता थी उनके अंदर। तो उन्हीं और लो क्लास के काम कुंती ने उन्हें बहा दिया था। तो वही कथा विस्तार से आ रही। मैंने पहले जब आपको महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप सुनाया था तो मैंने बताया था कि कभी भी तो बताया तो उन्होंने क्या किया था कि उसे गंगा में बहाया था। तो उसी कथा को मैंने पढ़ाया था, तो बताया था आपको कि आगे की कहानियों में बहुत विस्तार होगा। तो वही विस्तृत कथा आगे कर्ण का पाठ 8 है। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र शिक्षा पाई। अब कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों उनके गुरु थे। पहले कृपाचार्य ने सिखाया, फिर बाद में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को द्रोणाचार्य ने सिखाया, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया जिसमें सबने अपने रण कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी तथा समारोह देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही कहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडव पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से सबने शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा के बाद शिक्षा प्रदर्शन के लिए एक समारोह आयोजन हुआ। सबने अपने अपने रण कौशल को दिखाने की कोशिश की, तरह तरह के खेल हुए, सब राजकुमार यही चाहते थे कि सबसे बढ़कर निकले। तो प्रतिस्पर्धा आपसी होड़ बहुत ज्यादा थी, परंतु तीर चलाने में पांडव पुत्र का तो कोई जवाब था नहीं। तो उन्होंने अर्जुन ने धनुष विद्या का कमाल दिखाया और उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी लोग जो लोग उपस्थित थे दंग रह गए। तो उन्होंने क्या किया कि उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनके बराबर कोई था ही नहीं। इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अब सोचने की बात थी कि कौन है जो इस तरह से मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो जा रहा है। अधीरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। अब अधीरथ द्वारा पोषित, अब बता दें आपको कि जब कर्ण का जन्म दुर्वासा ऋषि के से आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद सूर्य के संयोग से हुआ था, तो कुंती ने उसे बहा दिया था। तो उन्हें एक अधीरथ ये पति पत्नी थे, ये साथी था। साथी का मतलब होता है रथ हाँकने वाला, तो रथ हाँकने वाला था। तो लोगों ने देखा कि अधीरथ संतान नहीं, उसी ने उसको पाल लिया था। अब जब प्रतिज्ञा हो गई कि इस दोनों भाइयों में शिक्षा किसने ज्यादा ग्रहण की है, किसे कौन ज्यादा बलशाली है, दिमाग
आस्था शास्त्र का ज्ञाता है, क्योंकि दोनों कौरव और पांडव दोनों को ही कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने सिखाया था। तो लोगों को लगता है कि देखना चाहिए कि कौन ज्यादा बलशाली है। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया और अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। तो अर्जुन ने भी बड़े बड़े खेल दिखाए अपने धनुष बाण के बल पर। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अब दुर्योधन का तो जलना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि तो इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ढोकते हुए एक रूबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अब चूंकि जब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो ये प्रतियोगिता का आयोजन में कौरव और पांडव दोनों उतरे हुए थे और दुर्योधन का मन ईर्ष्या से, क्योंकि हार रहते थे, ईर्ष्या से जल रहा था। तभी ये कर्ण का जो जोश है, कर्ण का जो भीतरी जोश है, उसके कारण उन्हें लगा कि उन्हें भी सामना करना चाहिए। तो उन्होंने मस्तानी चाल लाकर अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। तो और युवक कोई नहीं, अधीरथ द्वारा पुरुषित कुंती पुत्र कर्ण था। अब कुंती पुत्र कर्ण था और अधीरथ द्वारा पुरुषित यानी पुत्र कुंती का था और अधीरथ ने उसे पाला पोषा था। तो उसको ले करके वो आए और दंग रह गए वहां की स्थिति को देखकर। मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल ही रहे थे कि अचानक में रंगभूमि का द्वार खम ठोकते हुए रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़े हुए। अब अर्जुन के सामने आकर के खड़े हो गए। वह युवक कोई और नहीं, अधीरथ। अब वो युवक कौन था प्रतियोगिता में? कर्ण जो था वो आगे खड़ा हो जाता है कि उसे भी बराबरी के दर्जे में आना है, वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहां दिखाए उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिर उन्होंने कहा कि यदि कर्ण ने अर्जुन को ललकारा कि तुम्हारे पास जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, तुम ये मत समझो कि मेरे पास उससे कम है। तो जितनी हिम्मत रखते हो उससे दुगनी हिम्मत मेरे पास है, तुम मेरे सामने लड़ाई में आओ। फिर अब कुरुवंश के वीर ने अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब लेकिन सबसे पहले प्रश्न उठा कि परिचय दो। अब चूंकि राजघराने का जो खेल हो रहा था, प्रतियोगिता हो रही थी, तो कृपाचार्य ने देखा कि ये तो अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा वीर आ गया, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उसका परिचय मांगा कि तुम अपना परिचय दो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल के हो, और या किस राजकुल को तुम सुशोभित करते हो, और द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है, कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को, कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते।
मतलब आपसी परिचय जब एक दूसरे का पाल जाते हैं तब युद्ध होता है। यानी शर्त ये है कि जो भी युद्ध आमने सामने होगा उसे किसी न किसी राजघराने का होना चाहिए। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेश का राजा बना देता हूँ। अब दुर्योधन उठता है और उन्हें अंगदेश का राजा बना देता है। अब यही अंगदेश का राजा बनाने के कारण जो अधीरथ पुत्र कर्ण हैं वो जीवन भर उस एहसान के नीचे दबे रह जाते हैं, सब कुछ जानते हुए कि दुर्योधन जो है अन्याय कर रहा है, उचित नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह बंद रखते हैं और दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मान कर बड़े बड़े आदर के साथ उसके शरीर उसके आगे बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। अब उन्होंने अंगदेश का राजा हो गया तो उसको देखते ही धनुष नीचे रख दिया और पिता मानकर बड़े अदब के साथ आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा दिया। अभी वो युद्ध करने के लिए जा ही रहा था कि अधीरथ वहां से आ जाता और अधीरथ के आने पर जब उसने पिता को देखा तो उसने पिता कहकर विनम्र निवेदन किया और उसने भी बेटा कहकर गले लगा लिया। तो पिता पुत्र का तो संबंध वैसे भी अधीरथ और कर्ण में था ही, क्योंकि कर्ण जो था वो अंगदेश का राजा दुर्योधन ने बना दिया था, लेकिन उसके पहले था तो कुंती पुत्र ही, लेकिन उसे पालने पोसने का काम जो अधीरथ और राजा ने किया था तो वो भी काम कोई छोटा मोटा नहीं था, बड़ा था। तो सारथी उन्होंने कहा, जब उन्हें पता लगता कि ये तो सारथी का बेटा है तो खूब ठहाके लगाकर हाथ पड़ा, बोला, सारथी के बेटे धनुष बाण छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देता है। चाबुक लो वही तुम्हें शोभा देता है, तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व तो करने योग्य हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम चाबुक उठाओ, घोड़ा चलाओ, जैसे सारथी तुम्हारे पिता थे वैसे तुम भी चलाओ, तुम अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य नहीं हो। कहां अर्जुन और कहां तुम, तो तुम्हारी तो स्थिति न पारिवारिक है न राष्ट्रीय है, दुर्योधन ने तुम्हें राजा बना दिया, अन्यथा तुम तो हमारे सामने भी खड़े होने लायक नहीं थे। तो कौरवों की ललकार सुनकर वो तिलमिला तो गया है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई अब यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। अब सभा विसर्जित हो जाती थी शाम, सूरज ढलने के बाद कोई भी काम वहां नहीं करते थे लोग, कोई युद्ध नहीं होता था, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती थी, तो उन्होंने सब चीजें बंद कर दी गई और इस कारण विसर्जित हो गई। और मशालों और दीपकों की रोशनी दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन कर्ण दुर्योधन की जय जयकार बोल रहे थे। अब अर्जुन कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार सभा में गूंजने लगी। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास गए और उन्हें जंजा कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उनसे ये भिक्षा मांगी। अब लगा कि जब अर्जुन
जब कौरव, क्योंकि सुनिश्चित था कौरव और पांडव का युद्ध, कौरव पांडव का युद्ध सुनिश्चित था, तो उन्हें लगा कि भविष्य में कभी भी इनके साथ ये दिक्कत आएगी उससे पहले कुछ ऐसा किया जाए कि इनसे कवच और कुंडल ही ले लिया जाए। तो कवच कुंडल मांगने के लिए इंद्र जो रहते हैं ब्राह्मण वेश बना करके उनके पास जाते हैं और उनसे जो जनजात कवच कुंडल प्राप्त हुआ था वो उसे उनसे मांग लेते हैं कि, तो वो चूंकि कर्ण महादानी थे तो महादानी होने के कारण वो ना तो कर नहीं सकते थे और इस कारण से उन्होंने कवच और कुंडल उन्हें दे दिया। जबकि कर्ण भी इस बात को जानते थे कि अगर वो कवच कुंडल दे देंगे तो उनकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु फिर भी महादानी कहलाने वाले कर्ण ने ना नहीं किया और ना इंद्र को लौटाया। तो यहाँ तक की कथा मैंने आपको पढ़ा दी है, ये पाठ मैं कह ही रही थी आपसे कि संभवतः पूरा न हो, तो मैं अगले पाठ के पहले इस कहानी को पूरी उसमें समझा के तब अगला पाठ पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।